फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही मजेदार पजल्स। हर पजल का आंसर देने के लिए आपको मिलेंगे पूरे 10 सेकंड्स और आप अपना आंसर हमें कमेंट्स में भी लिख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पजल नंबर 1, आप एक दौड़ में हैं और आप उस व्यक्ति से आगे निकल जाते हैं जो दूसरे स्थान पर है, तो अब बताइए आपकी पोजीशन क्या है। सो फ्रेंड्स, जैसे ही आप दूसरे प्रतियोगी से आगे निकले तो आपने उसकी जगह ले ली। अब आप दूसरे स्थान पर आ चुके हैं, पहले स्थान पर नहीं। पजल नंबर 2, नीचे दिए गए समीकरण में एक लाइन लगाइए ताकि ये समीकरण सही हो जाए। अपना आंसर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है कि आपको 2 और 5 के बीच में जो प्लस का साइन है उसको 4 बना देना है, जिससे ये समीकरण सही हो जाएगा। पजल नंबर 3, गोल मैन होल ढक्कन चकोर मैन होल ढक्कन से बेहतर क्यों होते हैं? सो फ्रेंड्स, गोल मैन होल ढक्कन इसलिए ज्यादा बेहतर होते हैं क्योंकि वह मैन होल के अंदर नहीं गिरते। ये खास बात होती है गोल मैन होल ढक्कन में, और चकोर वाले गिर जाते हैं। पजल नंबर 4, इन अक्षरों को सही क्रम में लगाइए जिससे ये सही वर्ड बन जाए। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर है कंडीशन, CONDITION। तो कैसा लगा आपको ये पजल? पजल नंबर 5, ऐसी कौन सी चीज है जो कितनी भी चले मगर कभी थकती नहीं है? इसका आंसर बहुत ही इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है हमारी जुबान। हमारी जुबान जितनी भी चलती है वो कभी नहीं थकती है। पजल नंबर 6, वह क्या है जिसमें बहुत सारे दिल होते हैं लेकिन कोई और अंग होता ही नहीं? सोचिए फ्रेंड्स, इसका आंसर बहुत ही मजेदार है। सो फ्रेंड, इसका आंसर है प्लेइंग कार्ड्स, यानी ताश की गड्डी जिसमें बहुत सारे हार्ट्स होते हैं, यानी दिल होते हैं। पजल नंबर 7, वह क्या चीज है जो टूटती है लेकिन आवाज नहीं आती और न ही आंख से दिखाई देती है? अपना आंसर हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है प्रॉमिस। जब हम किसी का प्रॉमिस तोड़ देते हैं तो उसकी आवाज भी नहीं आती और हमें वो दिखाई भी नहीं देता। पजल नंबर 8, हम पानी क्यों पीते हैं? ये बहुत ही मजेदार और बहुत ही आसान पजल है दोस्तों। सो फ्रेंड्स, हम पानी इसलिए पीते हैं क्योंकि हम पानी को खा नहीं सकते। तो कैसा लगा आपको आंसर? पजल नंबर 9, एक पुल की चौड़ाई सिर्फ इतनी है कि एक ट्रक आ सकता है या जा सकता है। दो ट्रक वाले आमने सामने आ जाते हैं, वे पुल को कैसे क्रॉस करेंगे?
सो फ्रेंड्स, इसमें दो ट्रक वाले आमने सामने आए हैं, दो ट्रक आमने सामने नहीं आए तो इसलिए वे उस पुल को आसानी से पार कर लेंगे। पजल नंबर 10, अकबर के समय में आगरा में भयंकर बाढ़ आ गई थी, पूरा आगरा डूब गया लेकिन ताजमहल बच गया, बताइए कैसे। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर बहुत ही आसान है, ताजमहल अकबर के समय पर बना ही नहीं था, शाहजहां के समय पर बना था। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। फिर से हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। जानकारी चैनल पर अलग अलग तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल पर क्लिक करें।